झारखंड सीमा के बिहार रोड पर स्थित पश्चिम वर्धमान जिला परिषद द्वारा संचालित रूप नारायणपुर टोल प्लाजा में टोल टैक्स की एकाएक वृद्धि से आम लोग समेत सभी वाहन चालक परेशान हैं। बता दें, पहले चार पहिया वाहन के लिए ₹10, छह वाहन के लिए ₹25, दस पहिया वाहन के लिए ₹50 और 12 पहिया वाहन समेत सभी भारी वाहनों के लिए ₹100 टोल टैक्स वसूली जाती थी। वर्तमान में टोल टैक्स में 3 गुनी वृद्धि कर 4 पहिया वाहनों के लिए ₹30, छह वाहन के लिए ₹70 और 10-12 पहिया वाहन समेत भारी भारी वाहनों के लिए ₹120 टोल टैक्स वसूले जा रहे हैं। जो भी टोल टैक्स बढ़ा उसको लेकर क्या क्या असुविधा हो रहा? देखिए, इतना तो बढ़ना नहीं चाहिए, एक बैग बढ़ा जो टोल टैक्स पहले हम लोग ₹10 देते थे, अभी हम लोग 20-30 रुपया दे रहे हैं, यानी कि एक बैग ₹20 बढ़ा। दिक्कत का कितना सामना करना पड़ रहा? दिक्कत तो सामना करना ही पड़ रहा है सर। देखिए, रोड का भी कुछ ठीक नहीं है ना, जैसे रोड वैसा टोल टैक्स होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सुदेशर मरान। बड़ा है, कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो हो रहा है बहुत। कितना बड़ा है? पहले कितना लगता था? पहले कम लगता था, अभी ₹30 ले रहा है। अभी ₹30 ले रहा है। दिक्कत कितना हो रहा है? दिक्कत बहुत हो रहा है। ये रास्ता का अवस्था कैसा है? रास्ता भी बहुत खराब। क्या चाह रहे हैं? बढ़िया होना चाह रहे हैं। टोल टैक्स जो बड़ा है उसके बाद भी रास्ता का जो अवस्था है उसको लेकर क्या कुछ बोले? उसके लिए है, मतलब कम होना चाहिए थोड़ा। नाम आपका? टोल टैक्स की एकाएक 3 गुनी वृद्धि से वाहन चालकों पर खासा असर पड़ा है। वाहन चालकों ने कहा कि पहले ही कोरोना ने आर्थिक रूप से उन्हें तोड़ रखा है, ऐसे में टोल टैक्स के ट्रिपल होने से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। साथ ही इतना टैक्स देने के बावजूद टोल टैक्स प्लाजा के संलग्न सड़क जर्जर है। जिस सड़क की रखरखाव के नाम पर टैक्स दिया जा रहा वो कई जगहों पर टूटी है, उन्हें कब बनाया जाएगा? टैक्स पहले की तरह फिर से लगना चाहिए। इस संबंध में जिला परिषद कर्माध्यक्ष मोहम्मद अरमान ने कहा कि टोल प्लाजा जिला परिषद के अधीन है और यह निजी कंपनी द्वारा चलाया जाता है। उन्हें टैक्स वृद्धि की सही राशि की जानकारी नहीं है, पर टैक्स की वृद्धि को लेकर बैठक हुई थी, टैक्स की वृद्धि भी की गई है। उन्होंने आगे कहा कि वह लोगों की समस्याओं को लेकर अध्यक्ष और समिति से बात करेंगे। उठे आश्चर्य कि रुग्नानपुर जो टोल टैक्स हमारे से टोल टैक्सर मूल्य वृद्धि जेटा छिल सेटा बाड़ानो होइछे, तो ए निये आपनि कि बोलबेन? मूल्य वृद्धि माने तादेर टोल टैक्सर रेटटा। हाँ, तो एटा प्राय 2-2.5 मास आगे एकटा अर्थ मीटिंग होइछिल आमादेर जिला परिषदे। তো এই যে এজেন্সি যে আছে, এজেন্সি কয়েকবার একটা ডিসিশন দিয়েছিল যে তাদের রেটটা বাড়ানো হোক অন্য অন্য পঞ্চায়েত অন্য সমিতিতে, যেমন কাকসা একটা সমিতি টুল টেক্স আছে সেখানে রেটটা অনেক বেশি, অথচ জেলা পরিষদ এটা অনেক কম ছিল আছে, এটাও একটা কারণ দেখেছিল। আর সেকেন্ড কারণ ছিল যে করোনার জন্য অনেক গাড়ি ঘোড়া কমে গেছিলো, তো এরা একটা কারণ দেখেছিলো যে আমাদের যা খরচা, তো খরচা তো এজিতে যাচ্ছে কিন্তু গাড়ি ঘোড়া কমাতে আমাদের ইনকামটা কমে গেছে। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে একটা অর্থ মিটিংয়ে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে রেটটা বাড়ানো হবে, রেটটা বাড়ানো হয়েছে। এবার রেটটা কত বাড়ানো হয়েছে সেটা আমার টোটালি নেই, ধারণাটা নেই, এটা আমি জেনে নিচ্ছি। আমি সোমবার বা মঙ্গলবার আমি জেনে নিচ্ছি রেটটা কত বাড়ানো হয়েছে, এবং যদি কোথাও কোনো এ থাকে, মানে কমিউনিকেশন গ্যাপ থাকে, সেটাকে চেষ্টা করবো আমাদের জেলা পরিষদে এটাকে আলোচনা করে এটাকে সলভ করা। সাধারণ মানুষের আরেকটা অভিযোগ আসছে কি আমরা টুল ট্যাক্স এত দিচ্ছি, তা সত্ত্বেও ওই রাস্তাটার অবস্থা বেহাল হয়ে আসে না? এই টুল ট্যাক্সের রাস্তা যেটা আছে আমাদের এমজি ফ্যাক্টরি থেকে নিয়ে আমাদের টুল ট্যাক্স অব্দি, এই রাস্তা মোটামুটি ভালোই ছিল। এই যে বর্ষা হলো, এই বর্ষাতে রাস্তা খুব খারাপ হয়েছে আবার নতুন করে, আমি আবার নতুন করে বলেছি। তো যেহেতু অনেক ছুটি ছিল, দুর্গা পুজো, কালী পুজো, ছট পুজো, এবারে হয়তো এটা একটা সংস্কারের কাজ হবে। আমি বলছিলাম এই যে জেলা পরিষদের রাস্তাটা, এই টুল ট্যাক্স মানে আমাদের এই রুগ্নানপুর থেকে টুল ট্যাক্স পর্যন্ত কতটা রাস্তা? এটা এটা প্রায় 15 কিলোমিটার। এই রাস্তা নিয়ে কোনো পরিকল্পনা আপনারা? না না, রাস্তা তো আমাদের তো সংস্কার করা হয়েছিল, 2 বছর আগে সংস্কার করা হয়েছিল, রাস্তা ঠিকই ছিল। এই হেবক যে বৃষ্টি হলো, এই বৃষ্টিতে রাস্তাটা খারাপ হয়েছে, আবার খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে এটা কেন সংস্কার করা হবে। जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर आप तमाम खबरों को फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और अगर आप इन खबरों को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और इन तमाम खबरों को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।